हमेशा के लिए भेड़िया बन जाएंगे। मैं ऐसा नहीं होने दे सकता, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। आका, आका! आका! वादा किया देने का वादा किया, बगदाद को हर मुश्किल से बचाने का वादा किया, मुझे अपने हाथों से सिद्धी का हलवा खिलाने का वादा किया। अपने आप को पहचानिए आका, आपको इन सब वादों की कसम, लौट आइए आका। अलादीन हमला करने वाला, मैं आपसे नहीं डरता आका, आप मेरे आका हैं, आप मुझे चोट नहीं पहुंचाएंगे। खुद को पहचानिए आका, लौट आइए, लौट आइए आका, लौट आइए। मलिका का इरादा ठीक नहीं लग रहा, आखिर ये करना क्या चाहती है? बहुत ही जल्द शैतान के खंजर का पहला हिस्सा हमारे हाथ में होगा और उसे हम इसमें रखेंगे। हम अपने रास्ते में आई सारी रुकावटों को तबाह कर देंगे और अपना मकसद पाकर ही रहेंगे। मजा आएगा। कहाँ हूँ अलादीन, जल्दी आओ। मेरी हिम्मत कैसे हुई? हिम्मत कैसे हुई? आका,
आका, आका ठीक हो? ठीक हो? जिगर, बचा लिया ना लाले को? अपनों को खोने का गम क्या होता है मुझसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। अलादीन, तुम ठीक हो? फिर से बचाने के लिए शुक्रिया फराज। इसकी सूरत जरूर सफर जैसी है पर सीरत नहीं। वही तो मैं जब से कहने की कोशिश कर रहा हूं। कुछ सुना क्या? अब इतने जोर से सोचोगे तो सुनाई तो देगा। लाले, दिन निकलने से पहले हम उस खंजर के पहले हिस्से को ढूंढ के यहां से निकल जाएं। अंदर बहुत अंधेरा है, हमें रोशनी की जरूरत पड़ेगी। मुरी साहब, तुम कुछ रोशनी का इंतजाम कर सकते हो? जी आका, मैं इंतजाम करता हूं। सुल्ताना, अंदर ठीक तो है ना? रुखसार बहन, इंसान क्या है, छड़ी दो छड़ी का मेहमान है। रुखसार, इनके कहने का मतलब है इंसान घड़ी दो घड़ी का मेहमान है और मेरे गुल्लू की जिंदगी की घड़ियां एक गेंद बन के गुजर रही है। अल्लाह, लाओ बहन छड़ी मुझे दे दो ताकि मैं अपने गेंद को फिर से गुल्लू बना सकूं। रुखसार बहन, इनकी बात मान लो, छड़ी हमें दे दो। बेशरम हो तो आप दोनों जैसा। पहले अपने ही बेटे को गेंद बनाते हुए आप लोगों को शर्म नहीं आई और अब भिखारियों की तरह भीख मांगते हुए भी शर्म नहीं आ रही है। बेशर्मी और फकीरी तो इनका खानदानी पेशा है, नमूना देख लो। अल्लाह के नाम पे ये छड़ी हमें दे दो बेहम। रुखसार बहन, ये छड़ी हमें दे दो। रहने दीजिए, मैं खुद ही गेंद को गुल्लू बना देती हूँ। बंदर को केला खिलाना है, गेंद को फिर से गुल्लू बनाना है। इतनी देर से गेंद बनाऊं, दिल कर रहा है कि कूदता जाऊं। दिल तो कर रहा है कि मैं अपनी अम्मी की नाक पर उचक के उनकी नाक तोड़ दूं, या फिर दिल कर रहा है कि अपने अब्बू के सर पर कूद के उनका सर ही फोड़ दूं। सुल्ताना, सुल्ताना, मैं आपको अभी ठीक कर देती हूं। अम्मी, आज ही चुराई थी। शाबाशी, अब देखती हूँ सुल्ताना को नाज़नीन के हाथ से कौन बचाता है। चल 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 चल। अबू ने वो हिस्सा कहां छुपाया होगा? घर
खजाने को ढूंढ पाना नहीं है आसान, रात और दिन मिल जाए तब चमकेगा निशान। चांद और सूरज, सूरज के निकलने में और चांद की पूरी तरह डूबने में सिर्फ कुछ ही लम्हे बाकी। ये तो वही निशान है जो हमने गुफा के बाहर देखा था। मतलब हम मंजिल तक पहुंच गए। यारी जिंदाबाद। अलादीन ने कर दिखाया उसने। अब मजा आएगा। शैतान तुम्हें कहरे मलिका से बचा। Thank you.
सारी जिंदगी दूसरों की मदद करता है, मरने के बाद फरिश्ता स्थान में जगह मिलती है, पर ये क्या? इतने काले बादल, जलजले के झटके, ये तो कोई खतरे का इशारा है। अलादीन ने शैतान के खंजर का पहला हिस्सा ढूंढ लिया है। जैसे ही हम उस हिस्से को अलादीन से हासिल कर लेंगे, हम उसे इस संदूक में हिफाजत से रखेंगे। शैतान तुम्हें कहरे मलिका से बचाए। लड़ते तो कई हैं, लेकिन जीत कर आपका बेटा अलादीन दिखाएगा आपको। मैंने खंजर का पहला हिस्सा ढूंढ लिया है। जिंदाबाद लाले, दिन निकल चुका है, यहां से निकलना चाहिए हमें। हाँ, वैसे भी इस जंगल में जादू काम नहीं करता है, तो हमें दौड़ कर ही इस जंगल को पार करना होगा। इसे पार करते हैं, हम जादुई कालीन पर बैठकर बगदाद के लिए निकल पड़ेंगे। चलो। मल्लिका के कमरे में हमने जो कुछ देखा वो काली चोर को कैसे बताएं? बेगम, चलो। सुल्ताना यानी कि शहद की मक्खी को मल्लिका के हवाले करके आते हैं। कसम सोने की अशरफियों की मियां, अकल बट रही थी तब किसी के जूते चुरा रहे थे क्या? मियां, अगर मल्लिका बेगम को यह पता चल गया कि इस जादुई छड़ी के हमारे पास होने के बावजूद सुल्ताना कमरे में पहुंच गई, तो वो पता है क्या करेंगी? इस छड़ी के जरिए हमें मक्खी बना देंगी। इस बोतल से बाहर निकलने का कोई तरीका तो होगा। अकल के कनस्तर। मेरा मतलब है बेगम, अगर हमने मल्लिका को सच्चाई नहीं बताई और हमसे बदला लेने के लिए रुखसार और गुल्लू ने बता दी, तब हम क्या करेंगे? कुछ नहीं, क्योंकि नाजनीन उन्हें किससे कुछ कहने के लायक ही नहीं छोड़ेगी। सुना नहीं मल्लिका ने क्या कहा? इस जादुई छड़ी के जरिए नाजनीन भी छोटे मोटे जादू तो कर ही सकती है, इसलिए बंदर को केला खिलाना है, चुप्पी का मसाला बनाना है। वाई 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 वाई। मिया, हाँ। नाजनीन चली? हाँ। बेगम मुझे भी साथ ले लो। या अल्लाह, हम इन्हें रोके कैसे? रास, तुम मेरे कमरे में रहना। मैं नहीं चाहता कि मल्लिका को तुम्हारे यहाँ होने की खबर हो। मेरा कमरा उधर है। चलो। क्या? अम्मी अब्बू ने सुल्ताना को शहद की मक्खी बनाकर कैद कर लिया है? हाँ गुल्लू,
हमें उन्हें छुड़ाना होगा। कसम सोने की अशर्फियों की गुल्लू। भाई 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 भाई। हाँ मेरे बच्चे कोशिश कर। अम्मी 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 नहीं हो रहा। अब तो अब तुम दोनों ना सुल्ताना को छुड़ा पाओगे ना किसी को हमारा राज बता पाओगे। सुल्ताना की बड़ी फिकर हो रही थी, अब बैठकर अपनी फिकर करो। हम तो चले, चलो बेगम। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज, फिर मिलते हैं। आओ अलादी, खंजर का पहला हिस्सा छूने के लिए हमारा हाथ तड़प रहा है। लाओ, मुझे दे दो। नहीं। क्या कहा?